भाई नमस्ते ए, क्या चल रहा है सर? अरे थोड़ी देर में चले जाएंगे यार। अरे रुक जा अभी। रुको गाड़ी। हाँ तो जा। क्या है? आप ये वाइन शॉप बंद करवाने वाले हो या हम आग लगा ले तब बंद करवाओगे? ये ले लाइटर और जलकर मर जा। तुझ जैसे कितने लोग भी मर जाए ना, ये वाइन शॉप नहीं बंद होने वाला है। जा जाके अपनी पढ़ाई कर। भाई ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इनके ऊपर जब तक बल प्रयोग नहीं करेंगे नहीं मानेंगे। अपने लड़कों को बुलाऊं क्या भाई? देख हमारे लोग भी पैसे लेके काम करेंगे, पुलिस वाले भी पैसे लेके काम करेंगे, तो अपने आदमी को इन्वॉल्व करने से अच्छा है कि पुलिस वाले को इसमें इन्वॉल्व करें। मक्खन जैसा काम होगा। बोलिए भाई। स्टूडेंट लोग वाइन शॉप के आगे हंगामा कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। आज संडे है और 4 बजे से राहु काल भी शुरू होने वाला है। अब किसका फोन आ गया? K4 पुलिस स्टेशन। सुनो मुंशी। सर वर्मा कॉलेज के लड़के काली भाई के वाइन शॉप के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, जाओ देखो क्या मामला है। बंद करो, बंद करो, वाइन शॉप। नमस्ते काली भाई। अरे संभालो इनको। एक मिनट दिखता। बंद करो, बंद करो, वाइन शॉप बंद करो, वाइन शॉप बंद करो। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आखिर बात क्या है सर? पहले आप इंस्पेक्टर को बुलाइए, मुझसे बात देखो करेंगे। वो भी खाकी है और मैं भी खाकी हूँ। जिस ऑफिसर के कंधे पर स्टार लगे उनको बुलाओ सर। क्या हुआ सर? मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ का बार काउंसिलर बहुत गुस्से में है सर, बहुत गुस्से में। ये क्या बोल रहे हो सर? मैं काली भाई की बात कर रहा हूँ। काली भाई को छोड़िए, यहाँ के स्टूडेंट्स भी गुस्से में। मैं अपनी बेटी को कार दिलाने आया हूँ और वहाँ का मामला संभालने के लिए। कोई और दूसरा ऑफिसर नहीं है क्या? सर एक ऑफिसर है सर। कौन है वो? यूथ के लिए यूथ। हाँ जवानों का मसीहा है सर। मुंशी साफ साफ बताओ कौन है वो? हाल ही में क्राइम ब्रांच ड्यूटी ज्वाइन करने वाला सब इंस्पेक्टर सुभाष। वो अभी 4 दिन हुए उसे ड्यूटी ज्वाइन किए, वो सब संभाल लेगा क्या? बिल्कुल सर संभाल। ठीक है बुला लो उसे। ले मुझे दो। देर शांत हो जाओ, हम सब बात करके मसले को सुलझा सकते हैं। हमने शांतिपूर्वक बात की थी लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसलिए आज संघर्ष कर रहे हैं। अगर संघर्ष से मसले सुलझ सकते हैं तो संघर्ष करना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन संघर्ष वो हो जिससे आम जनता को परेशानी सर, ना हो। जनता और आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने यहाँ धरना दिया है। आप लोगों की परेशानी क्या है? हमारे कॉलेज के सामने ये वाइन शॉप है, इसे कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए। इन शराबियों की वजह से हम लड़कियों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है सर। हमने कई बार कंप्लेंट किए सर लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक फैसला नहीं है हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारे जलने के बाद ही आप फैसला करेंगे तो हम खुद को जला लेते हैं। कौन बोला बे? किसने कहा मैं खुद को जला लूंगा? मैंने कहा। तूने तूने कहा ना? तूने कहा ना? इस तरह खुद को मत जला। जला नहीं है तो ये वाइन शॉप जला दे। वेरी नाइस। अब सर ने बोल दिया ना, अब जाओ और अपना काम शुरू करो। जाओ, मैंने जाओ। बोल दिया ना। हाँ अब जाओ। कह रहे हो? जाओ 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 जाओ
ये क्या किया तुमने? तुम पुलिस ट्रेनिंग लेकर आए थे या किसी कंपनी में काम करके? क्यों किया तुमने? पूरी दुकान का तुमने सत्यानाश करवा दिया। तुम वहाँ स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए गए थे क्या? चार लोगों को पकड़कर बल्ब प्रयोग करते तो सारी भीड़ भाग जाती, कोई नहीं दिखता वहाँ। लाठी उठाने के डर से भागने वाली भीड़ नहीं थी वो, क्वार्टर देकर किसी राजनेता की बुलाई भीड़ भी नहीं थी जो मेरे डर से भाग जाती। स्टूडेंट्स थे वो, भागने वाले नहीं थे सर। आज संडे है और छुट्टी के दिन आम आदमी को परेशानी ना हो इसलिए नारेबाजी कर रहे थे। वो फ्यूचर के IAS और IPS हैं सर, इनमें से ही कोई देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो सकता है। स्टूडेंट लोगों ने जो किया है ना, उससे अच्छा वो जलकर मर जाते हैं। जलकर मरना गलत भी है और जुर्म भी, इसीलिए मैंने उन्हें रोका। अभी नई नई वर्दी पहनी है ना, इसीलिए बात करने का तरीका नहीं पता, कुछ दिनों में सब समझ में आ जाएगा। यू आर रिड्यूसिंग इट डाउन टू पॉइंट पे तो ये आए हैं, देखा पकड़ लिया ना। अरे आप चुप बैठिए, वो बोलने नहीं देता और आप सुनने नहीं देते। रुक जाइए जरा, सुनने तो दीजिए। सुभाष इनमें से कौन सही बोल रहा है जरा तू ही बता। वहाँ चार अकलमंद बैठे हैं और यहाँ दो अकलमंद बैठे, तो आप लोग ही फैसला कर लीजिए ना कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं चलता हूँ। हाय। मेरी प्यारी गुड़िया क्या कर रही है? ड्राइंग बना रही हूँ। सुपर्ब है। ए, पिंकी क्या हुआ तुम्हें, क्या बात है? म्यूजिक टीचर ने मेरे आने से मुझे मना किया है। क्या? क्योंकि मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं गई थी। वो क्यों? मेरा जाने का मन नहीं था इसीलिए। अरे तू तो मेरी परी है परी। तो आप कह रहे हैं क्लास टीचर ने तो मुझे गेट से बाहर निकाल दिया। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, कल हम म्यूजिक क्लास जाएंगे, टीचर से बात करेंगे और गाना भी गाएंगे। भूख लगी है, डोसा डोसा। पापा घी की खुशबू आ रही है। एक ही घर है, एक ही परिवार है, तो तुझे घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? बच्चे और आप दोनों एक जैसे हैं क्या? ये 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान आपको अभी भी बच्चा लग रहा है? हाँ, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो बच्चा ही रहेगा। ठीक है, क्या बात कर रही हो माँ, शादी होने तक बच्चा ही कहलाएगा? यस ब्रो, हम लोग बड़े हुए, कमा रहे हैं, गाड़ी खरीदी, घर बनाकर रह रहे हैं, अच्छा स्टेटस है। पढ़ाई करके डॉक्टर की डिग्री लेकर नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया तो वो भी अच्छी बात है। ये सब हमारी खुशी के लिए, या हम हमारी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन जब हम शादी में किसी को मंगलसूत्र पहनाते हैं तो हम उसके जीवन साथी हो जाते हैं, तो मैं माँ के लिए हमेशा बच्चा कैसे रहूंगा? मानना पड़ेगा अनीता बहुत किस्मत वाली है। क्यों, तुम किस्मत वाली नहीं हो क्या? कौन, मैं? मैंने तो अपने सारे जेवर उतार कर तुम्हें दे दिए। हाँ मैंने दिए थे ना। और आपने? और आपने रखे थे ना? मैंने दिए थे और आपने रखे थे। आज तुम हो अनुषा और तुम हो विनुषा। ओके। सारे गामा। यस। गुड मॉर्निंग टीचर, दिस गर्ल इज एक्चुअली। पहले आप मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बच्ची को क्लास में वापस ले लूं तो ये नहीं होगा। ये बड़ी ही बदतमीज है, मुझसे कहती है क्लास में आने का मेरा मन नहीं होगा, उस दिन मैं नहीं आऊंगी। आपको जो चाहे वो कर सकती हैं। बताइए ऐसा कोई जवाब देता है? टीचर यू आर टोटली मिस्टेकन, आपको जिसने आकर के जवाब दिया था वो ये नहीं है, इसकी बहन अनुषा है, वो रही वहाँ पर। ओह, ट्विन्स हैं क्या? हाँ मैडम। तुम भी अपनी बहन जैसी बदतमीज हो क्या? नो नो टीचर, आई एम अ गुड गर्ल। वेरी गुड गर्ल। चलो। यू आर अ बैड बॉय चाचू। दादाजी को मत बताना। ओके ठीक है। ओके थैंक यू। ये लो जरा देखो कौन है। सर अल्कोहल का कॉल है सर। कॉल कट कर दो, मैं बाद में कॉल करूंगा। सर अल्कोहल का नाम आपने सेव किया हुआ है, आपके और अल्कोहल के बीच में दुश्मनी है क्या सर? देखो अल्कोहल के सेवन से किसी के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन मैं पहले से ही किसी का गुलाम हूँ, इसलिए अल्कोहल के नाम से सेव कर रखा है। वो अनीता है जिससे मेरी शादी होने वाली। ये बात है सर, फिर तो आप गाड़ी रोक के बात कर लीजिए, नहीं तो फिर से फोन करेंगे तो गुस्सा होंगी। ऐसा नहीं है भाई, अगर उसने मुझे कॉल किया और मैंने नहीं उठाया तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैं उसे बाद में कॉल कर लूंगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। आप किस्मत वाले हो सर, अगर मेरी बीवी फोन करे और मैं ना उठाऊं तो दिन भर टॉर्चर करती है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना सर शेर के जबड़े में दे दिया है सर। अच्छा सो क्यों सुभाष, कल तुम्हारी देखरेख में उस वाइन शॉप को बर्बाद कर दिया गया? अगर मैं उन्हें थोड़ी और छूट देता तो मालिक को भी ऊपर पहुंचा देते। आइए सर।
बताइए क्या बात है जी। मेरा ब्राउनी गायब है। ब्राउनी कौन है? उसकी फोटो है सर, दो दिन से गायब है। ठीक है, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मेरी मालकिन का कहना है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। हमने लॉयर से कंप्लेंट भी लिखवाया है, देखिए। ओके, अब हम भी डॉगी बनकर आपके डॉगी को गली गली ढूंढेंगे। आप जाइए। सर, हमें असल इस बात का डर है कि उसे कोई बुरी संगत न लग जाए, इसीलिए हम परेशान हैं। अच्छा सर। यस। डॉगी किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए, इसीलिए आप उसे बचाना चाहते हैं। क्या बात है। आप एक सच्चे इंडियन हो सर। आप जैसे लोगों को तो आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। थैंक यू सर। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। आप जाइए, हम देख लेंगे। हाय दीदी। हाय सुभाष। अनीता तैयार हो रही है, आज तुम दोनों डिनर पे जा रहे हो, उसी ने बताया। यस दीदी। प्लीज सिट। थैंक यू। हाय गुड्डू। हाय। अरे वो पेंटिंग वाला सीन है ना, कोई बात नहीं, मैं चार बार देख चुका हूँ। उसे तैयार होने में इतना टाइम तो नहीं लगता। सुभाष जरा जाकर देखो तू। हाँ, जब देखो गेम खेलता रहता है। अंकल। ऐसे क्या देख रहे हो, इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं। ये क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म जैसी ड्रेस पहन कर आई हो? मुझे क्या पता था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगी। मेहरबानी करके इसे बदल लो, जा। ठहरो, आती हूँ। सुभाष छोड़ो। हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं और जब भी मौका मिलता है ना, तुम फायदा उठा लेते हो। तुम्हें इन सबसे बोर नहीं होता? एक बात बताओ, अगर 15 साल पहले हमारी शादी हो गई होती ना, तो 2 बच्चे हो गए होते और तुम ऐसी मोटी भैंस जैसी हो गई होती। अगर मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो मतलब मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सच्चे आशिक हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं। है खुशियों का साथ जरा सोचना, तुम मेरे संग आओ तो जरा, है खुशियों का साथ जरा सोचना, सुनो तुम जरा, हूँ बिल्कुल खरा, तू है मेरा, सुन मैं हूँ तेरी, तू मेरा जहां है, तू ही खुशी, पास आऊं तुझ में खो जाऊं, संग तेरे मैं सारा जीवन गुजारूं, सारे जहां से तुझको चुरा लूं और तुझको मैं अपनी दुनिया बना लूं। ओ सयानी तूने मचाई दिल पे खलबली, ओ सयानी धड़कन हुई है तेरी बावली, मेरे संग आओ तू जरा, खुशियों का साथ जरा सोचना, ओ मेरे सनम आओ तू जरा, है खुशियों का साथ जरा सोचना। खुशियों को हम चलो अपने घर में बांध ले, जो मिले प्यार से हम वो मिलके बांट ले, बादलों के झूले में उमंग बन के झूम ले, थोड़ी थोड़ी जोड़ के
खुशियों को समेट ले। ओ, दूर से नजदीक ले आएंगे हम प्यार का प्यारा खुशनुमा मौसम। घर ये हमारा है मंदिर के जैसा ही, मंदिर की हमको जरूरत नहीं कोई ना कोई है कमी है खुशी हर जगह है हसीन हर खुशी सनम तू जहां। प्रपोज करता है क्या? देखो मुझे टाइम देखकर प्रपोज करना नहीं आता। रिंग तो अच्छी लग रही है, चलो फिर शादी के बारे में सोच कर बताती हूँ। पर ये रिंग मेरे ही पास रहेगी। हाँ जहान मिला मिट गए दिल से दिल के फासले, धड़कने जो छू गए चल पड़े हैं सिलसिले। जुदा होके जी ना सकूंगा मैं, देखूं ना तुमको तो मर ही जाऊंगा मैं। तुम रुठने की भी बातें ना करना, सांसे ही रुक जाएंगी मेरी वरना। जान मेरी तू सनम तू मेरा है खुदा। हाँ सनम तेरी हूँ किस्मत से तू मिला। ओ सैया जी ओ सैया जी बिन तेरे जीना मुझको नहीं। ओ सैया जी ओ सैया जी बिन तेरे जीना मुझको नहीं। तुम मेरे साथ आओ तो जरा है खुशियों के साथ जरा सोचना। तुम मेरे साथ आओ तो जरा है खुशियों के साथ जरा सोचना। सारी सारी ओ सारी सर मेरा घर पास में ही है, लाइसेंस है, सब कुछ है मेरे पास सर, बस गलती से घर में फोन करके बताइए कोई लाइसेंस लेकर आए, वरना गाड़ी यहीं छोड़ी और लाइसेंस लेकर आए। वो देख कोई गाना गाते हुए हीरो के जैसा आ रहा है। चलो रुको रुको रुको, गाड़ी साइड करो साइड करो साइड करो। क्या रे तू तो ब्रूस ली जैसा दिख रहा है, फूंक मारने से ही उड़ जाएगा। हां सर जब मैं पीता हूं ना तभी ऐसा दिखाई देता हूं। ड्रिंक एंड ड्राइव का फाइन कितना है पता है? गवर्नमेंट के हिसाब से 3,000 रुपए। करेक्ट। डिपार्टमेंट के हिसाब से बोलूं तो 500। ये तो बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। हेलमेट कहाँ है तेरा? हेलमेट तो नहीं मेरे पास। आरसी बुक? लाइसेंस है? इंश्योरेंस है तेरे पास? उसका मतलब तेरे पास है क्या आखिर? अरे पैजामे के अंदर क्या ढूंढ रहा है, जल्दी निकाल। देखो सर मिल गई, इसमें मेरी जिंदगी है। पुलिस वाले के सामने पी रहा है? सर मैं चाहे कितना भी पीऊं आपको तो पैसे से मतलब है ना। ये चल 500 रुपए निकालो उधर चल। सर वो 100 नंबर वाले जो पुलिस की गाड़ी घूमती है वो आपकी है? ए जरा लाठी दे तो मुझे। ओके 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 चलता हूँ पुलिस। गाड़ी रोको गाड़ी रोको। जरा संभल के आराम से। सुभाष
मेरी बात सुनो, ये बड़े आदमी का बेटा है, ये मिनिस्टर का रिश्तेदार है, मेरी बात मानो वरना सबको तकलीफ हो जाएगी। चलो आओ सर। सर सर अनजाने में गलती होगी सर, ये नहीं जानता कौन है। सर सर आराम से सर प्लीज। इस कार की कीमत कितनी पता है तुझे? मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं खरीद पाएगा, समझा? गलती होगी सर। सर शांत हो जाइए प्लीज। ऐसा घूर क्यों रहा है? सर मैं समझा दूंगा, सर मैं समझा दूंगा सर प्लीज। सर प्लीज घूर किसको रहा है? जाइए ना सर, मैं समझा रहा हूँ। जानता है कौन है? यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं समझा रहा हूँ। सर नाम क्या है? आप जाइए सर, मैं समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ सर। सर मैं समझता हूँ, बताता हूँ। गलती हुई सर, माफ कीजिए। घूर निकालता हूँ तेरा। प्लीज प्लीज आप जाइए सर, मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं इसको समझा दूंगा। सुभाष क्या करने आया है? तुम जाओ ना यहाँ से सर। मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने की औकात नहीं है तेरी, और तू मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है। समझा दूंगा सर, उससे गलती होगी सर, आप नाराज मत होइए सर। आप जाइए 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 सर, तेरे लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ मैं समझा दूंगा। आगे से बैठिए, हटा। मैं हटा रहा हूँ। आइए जाइए यहाँ। ए ये क्या बेकार में सबको रोक के रखा है, जाने दो सबको। अरे जाओ जाओ सब जाओ, निकलो ऐसे, चलो जगह खाली करो, चलो 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 सबको। कांस्टेबल इनको जाने दो। ठीक है सर। सुभाष ये पैसे वाला था इसलिए अकड़ के बात नहीं कर रहा था, इसके पास पावर है इसलिए इतनी अकड़ थी उसमें। अगर किसी ने इलेक्शन में इसे हरा दिया तो ये लोग क्या कहते पता है? सामने वाले की जान की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मर सकता है, और ऐसा इनके बोलने के बाद भी हम ही लोग इनकी हिफाजत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वी ओबे द ऑर्डर्स, इनका आदर सत्कार करते हैं। इस कानून की वजह से हम लोग बहुत शर्म और जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, मैं क्या है कि तुम्हें उसका नंबर दे दूंगा, कल 9 या 10 बजे उसके मोबाइल पर एक मिस कॉल दे देना या फोन ही कर लेना, लेकिन मैं जानता हूं वो उठाएगा नहीं क्योंकि वो पूरी रात पीता है और दिन में 2 बजे तक सोता रहता है। अगर बाद में कॉल करके पूछेगा तो कह देना कि सर आपने मेरा फोन अटेंड ही नहीं किया था, बुलाए तो चले जाना हा? लेकिन अकेले मत जाना। थैंक यू सर। ओके सुभाष, अब तुम घर पर जाओ।
यस सर। सुभाष, मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। नीचे खड़े? ठीक है, मैं एक मिनट में आता हूँ। माँ, जरा डोसा देखना। सर, गुड मॉर्निंग सर। ये तुम्हारा खुद का घर है सुभाष? नहीं सर, किराए पर रहते हैं। वो मम्मी पापा को अपार्टमेंट में रहना जमता नहीं है, इसलिए वैसे हम OMR में अपना खुद का घर बना रहे हैं सर। अगले हफ्ते मम्मी पापा की 60वीं सालगिरह है, उस दिन हम नए घर में गृह प्रवेश करेंगे, ऐसा हम लोगों का प्लान है सर। गुड, ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। कमिटमेंट नहीं सर, टोटल सेंटिमेंट है। वैसे क्या बात है सर, आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर? कुछ नहीं सुभाष, कल जो मिनिस्टर का लड़का तुमसे बदतमीजी कर रहा था ना, उसको किसी ने मारा और उसको बहुत बुरी तरह से मारा। वो तुम ही हो ये सोचकर वो इल्जाम तुम पर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अलर्ट करने आया था। हाँ सर, उसके थोबड़े को सॉलिड किसी ने फोड़ दिया है। ये तो अच्छा है कि वो इलाका अपने अंडर में नहीं आता। अगर वो जगह या पब अपने स्टेशन के अंदर आता ना, तो वो लोग तो हमारा जीना ही हराम कर देते सर। वैसे भी हमारी कंट्रोल में है ही क्या? सही बात है सर, अब अपनी बीवी अपने कंट्रोल में नहीं है तो फिर क्या? मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। हम लोग इस केस को अपने हाथ में ले लें सर। पर किस लिए? बेवजह झमेले में क्यों पड़ना चाहते हो? करेक्ट सर, हम लोग जो नहीं कर सकते वो काम किसी और ने किया, एटलीस्ट उसे थैंक यू तो बोल देना चाहिए, है ना सर? सर, आपने जो टाइम कहा था वो हो गया, मैं उसे एक मिस कॉल दे दूं सर। मैं समझ सकता हूँ, तुम अंदर से काफी खुश हो ना। सुनो, तुम लोग रेड बिल्डिंग में पहुंच गए क्या? बस सर, हम लोग पहुंचने वाले हैं सर। तुम एक काम करो, जाके गेट पे खड़े हो। ठीक है सर। और तुम कौन हो, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर। हा? तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? सर, जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी सर। हा? सर, मैंने उसकी नाक पर हाथ रख के देखा था, लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही थी सर। ए, तुझसे जितना पूछ रहे उतना पता, हम लोग यहाँ क्यों हैं? वाह, पोस्टमार्टम भी खुद ही कर लेते। सर, ये फोन मुझे वहां पड़ा हुआ मिला सर। उधर से सर। हाँ सुभाष, हमें उस लड़की का फोन मिला है, लेकिन पैटर्न लॉक है। सर दीजिए, मैं अनलॉक करता हूँ, लाइट के रिफ्लेक्शन में फिंगरप्रिंट्स दिख जाएंगे।
देखते हैं उस लड़की के बारे में इसमें क्या डिटेल मिलती है। श्योर सर। सर मुलुन की लोकेशन दिख रही है। ओ अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे नहीं लगता कि इसने खुदकुशी की है। देखो सुभाष, ये मर्डर है या खुदकुशी इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये राइट्स हमारे पास नहीं है। लेकिन सर फोरेंसिक्स पोस्टमार्टम। पेरुमल। यस सर। कौन है, कुछ पता चला क्या? सर उस लड़की का फोन मिला है और वो मुलुंड की रहने वाली है। ऑलरेडी इस बिल्डिंग में खुदकुशी के 4-5 केस हो चुके हैं ना? जी हाँ। खुदकुशी करने के लिए लोगों को यही जगह मिलती है, इसे भी खुदकुशी बताकर तुम इस केस को क्लोज कर दो। ओके सर। और उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दो। ओके। अरे चलो सर, ये सर सर ये क्या, मौत को खुदकुशी बता दिया? Obey the orders. Anshi, तुम डेड बॉडी को हॉस्पिटल। वालों को इन्फॉर्म कर दो सुभाष। सर जाओ सुभाष। लेकिन मैं कैसे? सुभाष इस तरह के 100 केसेस आएंगे, जब करने लगोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी। जाओ। हेलो। हाँ हाँ मैंने बोल दिया है। कहिए सर। जी मैं सुभाष हूँ, वो पार्वती। हाँ पार्वती मेरी बेटी है, पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए आए ना सर। आइए अंदर आइए प्लीज। नहीं सर। सर वो समझ रहे हैं कि मैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ, कैसे बताऊँ उन्हें सर? तुम सीख जाओगे सुभाष, इससे भी दर्दनाक केसेस आएंगे हमारे करियर में, तब क्या करोगे? सॉरी सर। क्या बचपना है तुम्हें। एक एक्सीडेंट हुआ है, अपनी बेटी को आइडेंटिफाई कीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं सर, कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल नहीं, रायपेटा मॉर्चरी में। हे भगवान। सर बताइए क्या हुआ सर, सर सर बताइए ना सर, सर सर क्या हुआ सर? सर बताइए ना जी, क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? अपनी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो मॉर्चरी में है। ये कैसे हो गया, कैसे हुआ ये? तुम्हारी बेटी क्या हुआ उसे, बोलिए ना क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है साहब, ये कैसे हो सकता है? सर ये पुलिस क्या कर रही है सर? देखिए सर महिलाओं में पुलिस जैन सर। सर क्या हम कह रहे हैं यहाँ? सर यहाँ के लोग और स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में हैं, घर वाले मान नहीं रहे सर कि ये खुदकुशी है, बॉडी ले जाने से मना कर रहे हैं सर। मैंने बहुत समझाया लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं, आप ही एक बार बात करके देखिए। आप लोग सुनो, अगर मेरी बात मानोगे तो उन्हें केस इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। सर मैंने बताया था ना कि आत्महत्या है, फिर आप लोग यूं धरने पर क्यों बैठे हैं? सॉरी सर, आप कुछ भी कह लीजिए पर हमें पता करना है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेगी हम यहीं पर बैठे रहेंगे। मैं पार्वती को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। सर अगर हम इस इशू को नहीं उठाएंगे तो
सॉरी पर पुलिस इस केस को नजरअंदाज करके क्लोज कर देगी सर, इसीलिए हमने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो सर। हाँ ठीक है, आप ही कुछ समझाइए। नमस्ते नमस्ते सर। वहीं पर बात को निपटा देना चाहिए था सर। वहाँ चैनल वालों को बयान देकर और शोर शराबा करके कोई माहौल को बिगाड़ नहीं रहा है। पुलिस स्टेशन के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं, उन्होंने मीडिया वालों को बुला लिया है, डीसीपी के राउंड अप का समय हो गया है, अब इससे भी ज्यादा माहौल बिगड़ सकता है। पार्वती की केस का एफआईआर हमने दर्ज कर लिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग तहकीकात शुरू कर देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि यह खुदकुशी है या मर्डर है। सुभाष, यस सर, इनसे कंप्लेन पेपर ले लो और केस को सीरियसली डील करो। ओके सर, हम लोग सच्चाई पता लगा लेंगे। अब आप लोग जाइए यहां से। आप पार्वती के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए, अब यह केस मेरी जिम्मेदारी है। सर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 8 गेट है सर, और सिक्योरिटी वाले सिर्फ हम 2 ही हैं। कौन आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे पता चलेगा सर? सर उस जगह को देखकर मुझे उसी दिन शक हो गया था, उस रात मैं फिर से वहां गया था। सुभाष, लेकिन ये बॉक्स तुम्हें मिला कहाँ से? सर इसे हॉट बॉक्स कहते हैं, जो लोग गांजा पीते हैं वो अपने घर में या गाड़ी में अक्सर इसे रखा करते हैं। मामूली जॉइंट जो नशा देता है उससे कई गुना ज्यादा नशा इस हॉट बॉक्स से होता है, और ये आज की जनरेशन को खोखला कर रहा है सर। उस जगह को देखकर लगता है कि वहां अब भी एक्टिविटीज हो रही है। गोपी ने बताया था कि वहां पहले भी 4-5 सुसाइड केसेस हो चुके हैं। हाँ, केस हैंडल करने वाले ऑफिसर से बात करेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। रेड बिल्डिंग सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करनी है सर। लगता है तुम नए जॉइन किए हो, इसलिए मुझसे पूछताछ करने आए हो। ऊपर के अधिकारी जो बोल रहे हो वही करो बेटा। मैं केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहा था और तभी ऊपर से ऑर्डर आया और इस केस को सुसाइड घोषित करके बंद कर दिया गया, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मेरा ट्रांसफर करवा दिया गया। हेलो, अरे यार हम लोग नए घर में आए हैं, कलर चूज करना है, जल्दी घर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाय। हे सुभाष, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। Give me a minute, come। अपने रूम, सॉरी, हमारे रूम के लिए कौन सा कलर सेलेक्ट करें? इसकी समझ मुझसे ज्यादा तुम्हें ही है, तुम ही चूज कर लो ना। Strictly your choice, तुम ही चूज करो। ठीक है ये वाला। ग्रे कलर बेडरूम के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा था ना खुद ही चूज कर लो। ओके ठीक है, तो मैं एक्वामरीन कलर सेलेक्ट करती हूँ। भरत। यस मैडम। शेड कार्ड दो। जी। ये वाला कलर। जी मैडम। उस वॉल पर। ठीक है। एंड सॉरी। और ये वाला शेड वहां उस वॉल पर। ओके मैडम। पिछले 5 साल में 6 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और मैंने हर एक इंसिडेंट को मार्क करके रखा है। उस समय वहाँ कौन से मोबाइल फोन्स एक्टिव थे आप पता करके बता सकते हैं क्या? सर लास्ट 5 ईयर का ये ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन 2 ईयर्स का पॉसिबल है। मैं ट्रैक करके बताता हूँ सर। ओके सर।
बात बताओ सुभाष, इतनी घिनौनी हत्या किसने की होगी? सर, पार्वती के केस में उसकी फ्रेंड्स और फैमिली का कहना है कि वो लड़की किसी भी हालत में खुदकुशी कर ही नहीं सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड लिखकर आया है सर, ये सही नहीं हो सकता। क्या सही है ये तो इस लड़की को और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को पता होगा। यू डोंट गेट इमोशनल सुभाष। सर मुझे कुछ काम याद आ गया, वो करके मैं स्टेशन में मिलता हूँ आप। ओके। यस डॉक्टर, फॉर्मल इंक्वायरी के लिए आया हूँ। पार्वती का पोस्टमार्टम आप ही ने किया था ना? सर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और हर एक चीज का प्रोसीजर होता है। आपको जो भी बात करनी है हॉस्पिटल में आके बात कीजिएगा। प्लीज अभी जाइए यहाँ से। सॉरी। हेलो से बोल दिया था मुंशी, हम बात कर लेंगे ना। सर सर क्या बात है सर? समथिंग इंपॉर्टेंट, जॉइंट कमिश्नर खुद आए हैं, शायद उस मर्डर केस के बारे में ही होगा। हाँ हाँ हाँ। सर सुभाष। ओ सब इंस्पेक्टर, गुड क्राइम ब्रांच, मैं चलता हूँ। सर हाँ सर, लेकिन बात क्या है वो तो। हाँ सुभाष। सर रेड बिल्डिंग के केस का क्या हुआ? हाँ सर वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारी फाइल्स लेकर अंदर आओ। जी सर। सर ये केस दूसरी टीम को दे दो, मैं तुम्हें दूसरा केस देता हूं, तुम उसे इन्वेस्टिगेट करो। सर मुझे दो दिन और दे दीजिए, मैं ये केस सॉल्व करके दिखा दूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड आ चुका है ना, ये क्लियर हो चुका है। एक सीबीआई ऑफिसर को जान से मारने की धमकी मिली है, उनकी सुरक्षा के लिए तुम उनके घर जाओ। जितना कह रहा हूं तुम बस उतना ही करो। क्या हुआ? सर ये केस आप किसे दे रहे हैं? अगर वो बता देते तो मैं इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स पास ऑन कर देता। सुभाष मैं जानता हूं तुम आईपीएस की तैयारी कर रहे हो। आईपीएस का एग्जाम पास होने के बाद जब तुम मुझसे बड़ा ऑफिसर बनकर मेरे सामने आओगे और मुझसे सवाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा। इस वक्त मैं जैसा कह रहा हूं बस तुम वैसा ही करो। अभी तुम सिर्फ एक एसआई हो, ये बात तुम नहीं भूलना। अब जाओ। अरे बाप रे सर, ये सीबीआई के किसी ऑफिसर का घर है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत झोल करके बनवाया होगा इसको। ये जो बाहर दिख रहा है ना उसके चमचे, देखिए कितना अकड़ के बात करेंगे, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। और भाई साहब कैसे हो? क्या बात है, आजकल अपने एरिया में दिखाई नहीं दे रहे हो आप। अरे सर हाँ? पिछले 10 दिनों से कोई हमारे मिनिस्टर साहब के घर पे अंडा फेंक रहा है। उस कमीने ने पूरे घर को गंदा कर दिया है, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लग रहा है। वो कौन है ये पता करने के लिए तो आप लोगों को बुलाया है। अभी आप लोग पता है। हाँ, बोलो क्या बात है। सर रेड बिल्डिंग में जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसके नंबर पे 5 बार कॉल आई थी सर, उस नंबर का डिटेल मैंने आपको मैसेज कर दिया सर। ओह थैंक यू। अरे वो नया भर्ती हुआ है क्या? अभिजीत ही हो। मैं अन्ना नगर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। रेड बिल्डिंग मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कौन हो तुम, किससे मिलना है? अभिजीत ने बुलाया है। आई एम क्राइम ब्रांच एसआई सुभाष। बात क्या है? रेड बिल्डिंग मर्डर केस के बारे में आपसे पूछताछ करनी है। तो तू उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पर हमने तो कहा था कि उसे क्लोज कर दो। फिर यहां क्यों आए हो? ओके ओके मैं समझ गया, कुछ खटपट चाहिए क्या? 3 वक्त का खाना, खुद का एक घर, शादी, मस्ती, फिर बच्चे, एक आम इंसान की यही जिंदगी होती है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर हैं,
हमारी लाइफ स्टाइल देखोगे? लो लो एंजॉय। देखो देखो कैसे लड़की रो रही है, हमें देख के एंजॉय करो। अगर वो ओके कहती और मान जाती तो हमें ये करने की क्या जरूरत पड़ती? बेवकूफ लड़की। दूसरा वाला भी देख ले, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या बात है, बड़े ध्यान से देख रहे हो, मूड बन रहा है क्या? किस पे हाथ उठाया तू जानता है? तुझे पता है हम लोगों का बाप कौन है? तुम अमीर लोगों को अपने बाप का पता नहीं होता है क्या? जब देखो पता है मेरा बाप कौन है, पता है मेरा बाप कौन है। अच्छा सुन, अगर तू इस केस से बच गया ना तो मेरे पास आके कंप्लेन दर्ज करवा देना, तेरा बाप ढूंढ दूंगा। अभी चुपचाप मेरे साथ स्टेशन चल। क्या बोला तूने? हमें बाहर आने दे, फिर देखना। क्या बोला तू? बाहर आएगा? सेक्शन 376D एंड 302 नॉन अवेलेबल, मतलब तुम सबको 20 सालों तक जेल का ही खाना खाना है। क्या कहा तूने? हम लोग 20 साल जेल का खाना खाएंगे? अगर तुझ में दम है ना तो सिर्फ 20 मिनट्स हमें लॉकअप के अंदर बंद करके दिखा। तुझे तो ये क्या किया तूने? और इस तरह इन्हें अंदर क्यों किया? बिल्डिंग पर बोला था ना तू इस केस पर काम नहीं कर रहा है। सर यही एक मर्डर केस नहीं है, वहाँ जितने सुसाइड्स हुए हैं उनका मर्डर इन्होंने किया है और मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। सर पागलों की तरह बातें मत करो। अब सर इस स्टेशन के इंस्पेक्टर तुम हो या ये? नहीं सर, जाने दीजिए, मैंने बता दिया इसे। किस बेस पर तुमने इन्हें अरेस्ट किया है? इनके माँ बाप सोसाइटी में कितने बड़े लोग हैं जानते हो तुम? और जरा उस वीडियो प्रूफ को दिखाओ। यस सर। सर पासवर्ड 4455 ब्रो। सर ये ऑटो डिलीट हो गया सर। एविडेंस। सर मैंने खुद देखा है सर। आई सेड एविडेंस। एक कातिल गुनाहगार अपने गुनाह को सबूत अपने ही फोन पर रखता है क्या? इडियट। सर
तुम्हारे होते हुए मेरे बेटे को अंदर का रखा है। सर ये सब एक गलतफहमी की वजह से। मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ ये बात तुम भूल गए, और इसने मेरे बेटे को पीटा भी, और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। मैं होम मिनिस्टर को बताऊं या सीएम से बात करूं? जल्दी से बच्चों को बाहर करो। उन्हें रिलीज कर दो। सर आई कैन स्टिल प्रूव इट सर। इट्स एन ऑर्डर। इसे सस्पेंड कर दो। यू आर सस्पेंडेड। तुम्हें तो डिसमिस कर देना चाहिए बेवकूफ। ही सेड 20 मिनट्स बट जस्ट 15 मिनट्स ब्रो। कुछ हासिल हुआ तुम्हें? तुझे बहुत चर्बी चढ़ी थी ना बेटा, अब तू गया। आज के इस दिन को तूने मेरी लाइफ में यादगार बना दिया है। अब तेरी जिंदगी के हर एक दिन को मैं यादगार बनाऊंगा। अभिजीत कम। यस डैड। सर तुम कुछ मत कहो, पहले घर जाओ। कल सुबह गृह प्रवेश है ना, जाके उस काम पर ध्यान दो। सर ये सारी बातें भूल जाइए और किसी नए काम में लग जाइए। सर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। सर काम कर रहे थे। आप जाइए।
चलो अंदर आ जाओ। बताओ हम ये कहाँ गए? वन टू थ्री थ्री वाओ कितना सुंदर। अरे रे 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 जाओ 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 जाओ। ये क्या हो गया? कौन है तुम? माँ कौन है तुम लोग? क्या कर सर, जैसा मीडिया में आपने बयान दिया वैसे वैसे मेरी फैमिली जलकर नहीं मरी है सर, उनका मर्डर किया गया है सर, और वो क्रिमिनल्स कौन है ये भी मैं जानता हूं। हाँ, लेकिन एविडेंस? एविडेंस सर, सर आई कैन प्रूव इट सर। जो लोग मर्डर कर सकते हैं उन्हें एविडेंस में डालना नहीं आता क्या? ये केस अखबार की ब्रेकिंग न्यूज की तरह है, बस जब तक जिंदा है अपनी जिंदगी जी ले, नहीं तो तुम भी उन लोगों की तरह ब्रेकिंग न्यूज में आ जाओगे और फेमस हो जाओगे। डबल फाइव नंबर प्लेट चाहिए। यस सर। गाड़ी अच्छी है ना? एक कहावत है, जब दुनिया चलती है तो हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, अगर अकेले दौड़ना चाहोगे तो गायब हो जाओगे। चला जा। थैंक्स फॉर द कार, वेलकम। रुक, एक इंसान को एक ही बार मारना चाहिए। जाओ। चिल ब्रो। जाओ, जितना कहा था अगर उतना करते तो तुम्हें यह सब झेलने नहीं पड़ता। लेट हो गया क्या सर? आओ बैठो। हमेशा की तरह क्या करें? जी, प्रॉपर अपोलोजाइज लेटर लेकर आ जा, उसी स्टेशन में तेरी पोस्टिंग करवा देता हूँ, और आइंदा इनको डिस्टर्ब मत करना, समझे? जाओ। हाँ, गाड़ी बहुत अच्छी पसंद आई। ए शिवा, उस घर में एक नन्ही जान को क्यों जिंदा छोड़ दिया बता दे इसे। तुझे और उस बच्ची को इसने जिंदा छोड़ रखा है कि सबको खोने के बाद तेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं रहती, इसीलिए उसे जिंदा छोड़ा ताकि तेरे पास वजह बनी रहे। तू हमारी बात ठीक से समझ ले, जो बच्ची तेरे पास पल रही है वो कल की पार्वती है। गेट लॉस्ट।
ठीक है, एक्ट्रेस पुष्पा को किसी ने सेक्सुअली हैरेस किया, इसलिए वो कंप्लेंट करने के लिए यहीं आ रही है, इसलिए मीडिया आया। आओ। यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। सर, जैसा मैंने कहा था, अगर तुम वैसा करते ना तो इस वक्त तुम मेरे सामने ऐसे खड़े नहीं होते सिर झुकाकर। अगर तुम्हारे ऊपर इस तरह ब्लैक मार्क लगता रहा तो तुम कभी आईपीएस नहीं बन पाओगे। जो तकलीफ तुम्हें है वो दुश्मन को कभी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन को मेरी तकलीफ पता चलनी चाहिए। मैंने तुमसे माफीनामा मांगा था और तुम मुझे रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हो। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल तो मैं पहले था सर, ओबे दी ऑर्डर्स सुन सुनकर ही पागल हो गया था, लेकिन इससे ठीक हो जाऊंगा। रिजाइन करके बिना पुलिस की वर्दी के तुम क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो काम यूनिफॉर्म पहन के नहीं कर पाया वो बिना यूनिफॉर्म के करके दिखाऊंगा, और इसके लिए मुझे पुलिस की पावर नहीं चाहिए, पुलिस का दिमाग है मुझ में। पेरुमल, ये क्या बकवास कर रहा है? सुभाष, मेरी बात मानो प्लीज। आपकी बात मानने के लिए मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं पब्लिक हूं और तुम पब्लिक सर्वेंट हो, हमारे टैक्स से तनख्वाह पाने वाले नौकर हो। अब मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे, समझ गए? इट्स टाइम फॉर यू टू ओबे द ऑर्डर्स। व्हाट? ओबे द ऑर्डर एंड सिट। हे सुभाष, ए चुपचाप बैठ जा, बैठ। पुलिस स्टेशन को मैं हमेशा मंदिर समझता था, तो जैसे लोगों ने इसे कोठा बना दिया है। फिर भी लोगों को पुलिस पर विश्वास है, सोचते हैं भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। मरना होगा, जिन लोगों ने गुनाह किया उन सबको मरना होगा। उन्हें मैं नहीं मारूंगा, उनके मां बाप ने उनकी जो परवरिश की है ना उसकी वजह से वो मरेंगे। तुझे डाउट हो रहा है कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? एक सैंपल दिखा दूं तुझे? सिर्फ 5 सेकंड में वो कलेक्टर तुझे ढूंढता हुआ आएगा और कहेगा कि उसके बच्चे गायब हो गए। काउंट शुरू कर दे। 1, 2, 3। जैसी सर। गुड लक। सुभाष, मेरा बेटा कहाँ है? सर, लेकिन आपका बेटा यहाँ। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे थाने से मैसेज आया। मेरा बेटा। ये तो इसी पुलिस स्टेशन की पार्किंग है। अरे मेरे बेटे को बचाओ। Oh God! बेटा। भुवन, भुवन, ए बेटा। भुवन, गाड़ी चलाओ। अरे आग बुझाओ। ए बेटा, ए आग बुझाओ, ये आग बुझाओ, तुम लोग जल्दी से जाओ। अरे मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। सर 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 प्लीज, सर सर, मेरे बेटे को बचाओ। आग बुझाओ, जल्दी से आग बुझाओ, मेरे बच्चे। सर, प्लीज, सर, 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 स
तुम पांचों हमारे डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर हो। ये केस तुम लोगों को क्यों सौंपा है पता है? हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारे ही डिपार्टमेंट का आदमी है। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में उसे पूरी जानकारी है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। आफ्टर ऑल एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे बेटे को मारा, अरेस्ट किया, फिर उसे जेल में बंद किया और फिर उसे जिंदा जला दिया। मेरा बेटा। आपने अब तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो कहाँ है अब तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ लेगी, ये वो अच्छी तरह जानता है। एक काबिल बिजनेसमैन बनने के लिए हम लोगों ने आज तक कई खून, कई घोटाले, कई मर्डर करवाए हैं, लेकिन वो सब बिजनेस मैटर था और वो सारा काम हमने पैसे के लिए किया, लेकिन किसी ने मेरे बेटे की मौत की तारीख तय नहीं की है। मैं आपको कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा। टेंशन मत लीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसने सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप उसकी फैमिली को मार दोगे। हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। नहीं छोड़ूंगा उसे। यही गलती मैंने भी की थी। पूरी फैमिली को खो चुका है वो, ये समझकर कुछ भी बके जा रहा था। मैंने उसे बोले दिया, अनट्रेसेबल कॉल किया था उसने, सिग्नल को जाम कर दिया और गाड़ी के अंदर कैथलीन गैस छोड़ दी। कार का दरवाजा खुलते ही कोई उस फायर सिलेंडर को बुझाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने सिलेंडर को भी आग से भरवा दिया। उसे जितना नॉर्मल समझ रहे हो वो उतना नॉर्मल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक ऑफिसर की तरह सिक्योरिटी सिस्टम की सिक्योरिटी को पढ़कर आया है वो। हर बारीक से बारीक चीज जानता है वो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सब उसने परफेक्टली प्लान करके किया है। और इतना ही नहीं, बाप के हाथों बेटे को मरवाएगा ऐसा चैलेंज करके गया है। इसका मतलब हमें छिपकर रहने को बोल रहे हैं आप? मैं केयरफुल रहने के लिए कह रहा हूँ। हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएगा, तो ये सिक्योरिटी किस लिए है? ये जो बोल रहे हैं बोलने दो, और तुम लोग जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा के मुसीबत मत खड़ी करना। डिपार्टमेंट का भी एक प्रोसीजर है सर, ये सब सुभाष ने किया है। बिना एविडेंस के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हमने कोई एक्शन लिया। उसकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंटल नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर है। मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। आई थिंक यू आर राइट। जल्दबाजी में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। फिलहाल आप एक काम कीजिए, इन दोनों की जान को खतरा है, ऐसा एक लेटर बनाकर कमिश्नर ऑफिस में भिजवा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। सर हमने उसका पुराना घर, नया फ्लैट, सभी जगह छान मारा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। सर उसकी आईडी, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, हर एक चीज को ट्रेस करने का ऑर्डर दिया है सर। वो इस शहर से बाहर न जाने पाए इसलिए सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दिया है सर। नो नो, वो इस सिटी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका टारगेट सिटी के अंदर रहने वालों को मारना है। उन तीनों को प्रोटेक्शन देने से ज्यादा सुभाष को ट्रैक करना है। Mr. Subhash? Yes. Welcome, sir. MD is waiting for you. Please come. Thank you. Hi, Subhash. Hello, beta. Hi. Please come. She's my wife. Hi. Hi. In logo ko andar le jao. Please come. I'm sorry for your loss. Maine jo kaha wo sab taiyar hai na. बदले खून या जिंदगी के बदले जिंदगी ले रहे हो या खुद जहर पीने जा रहे हो? मेरे गेम प्लान की सारी डिटेल्स इसमें है, रेडी रहना। पहले लीगल प्रोसीजर करके देखते हैं। अपनी बीवी और उस बच्ची के लिए तो फैसला बदलो। उसी बच्ची के लिए तो मैंने ये फैसला किया है। जब भी उसे देखता हूं तो याद आता है कि उसके जैसी उसकी एक बहन भी थी और अब तक वो कमीने जिंदा घूम रहे हैं। कल तक मुझे चेन्नई पहुंचना है, तो कुछ दिनों तक उन दोनों को यहीं रहने देना।
संभाल लेना। शो इस दुनिया में किसी न किसी वजह से हर इंसान तकलीफ में रहता है सुभाष। अगर हर कोई तुम्हारी तरह बदला लेना शुरू कर देगा तो दुनिया शमशान बन जाएगी। क्या तुम सोच रही हो कि मैं उनसे बदला ले रहा हूं? अगर ऐसा होता तो मेरी फैमिली की मौत के बाद जब मैं उनके घर गया तब वहीं उन्हें मौत के घाट उतार देता मैं। तुम तो जानती हो ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए मैं डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट वाले अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिस्टम का क्या होगा? अगर अपराधी को अपने किए की कड़ी सजा मिल जाती है तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। वही डर मुझे पैदा करना है। एक अकेली औरत रात को कहीं भी आ जा सके, यही आजादी का असली मकसद है और यही मैंने पढ़ा है। लेकिन आज तो दिन में भी औरत अकेली आने जाने से डरती है। पार्वती के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। उसने उस दिन हमारी बच्ची को देखकर क्या कहा था जानती हो ना तुम? कि तुम्हारे घर में भी एक पार्वती पल रही है, इसका डर अपने दिल में बनाए रखना। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बताओ क्या क्या करना चाहिए मुझे? Kill them, सुभाष। Kill them all. With pleasure. रात सुरंग सिजा रही रास्ते में भाग रही, वो जवाब मांग रहा पापियों के पाप का। कातिलों को तब तक मैं ना छोड़ूंगा जब तक मैं सजा उनको ना दे दूंगा। धरती में छुप जाए या फलक में वो फिर भी ना मुझसे वो बच पाएगा। मैं खत्म कर दूंगा उसको है कसम, जहां भी हो जाओ संभल, जहां भी हो। तेरा मैं काल हूं सुन ले, ले लूंगा जान सुन ले, आंखों में शोल मेरी दिल में तूफान है सुन ले, आतंक बन के तेरी दुनिया तबाह कर दूं, नामो निशान में तेरे दुनिया से खाक कर दूं, आतंक बन के तेरी दुनिया तबाह कर दूं, नामो निशान में तेरे दुनिया से खाक कर दूं। यार भुवन, तू यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। Cheers. हम संपत पे भरोसा कर सकते हैं क्या? या अपने आदमियों को सुभाष को ढूंढने के लिए बोल दें। Definitely. We have to do something. Let's hire some professionals. संपत और उसके डिपार्टमेंट के सिंसेर रहने से हम लोग ही सिंसेर रहे। छोड़ जाने दो, किसी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करने से हमारा नुकसान हो सकता है, बेटर संपत ही इसे संभाले। बोलिए मिस्टर एलेक्स। सर, नीट एग्जाम में लिखने की उसने पूरी तैयारी नहीं की थी और मैंने न्यूज में छाप दिया है। आगे। But unfortunately, वो लड़की अभी भी जिंदा है सर। अगर ये बात लीक हो गई तो हमारे अखबार की बहुत बदनामी होगी सर। अखबार के रेपुटेशन के लिए उस न्यूज को सच कर दो।
और उस लड़की को मार डालो। सर जो कहा वो करो। सर मैं साइबर क्राइम से किरण बात कर रहा हूँ सर। बोलो। जिस क्रेडिट कार्ड की हमें तलाश थी वो अभी बेंगलुरु में स्वैप हुआ है सर। वो कंफर्म बेंगलुरु में है सर। ठीक है। सुभाष बेंगलुरु में है। यस, आप लोग किरण से कांटेक्ट करके उसके कहने के मुताबिक चाहिए। ओके। ए दीपक। क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ छोड़, मुझे छोड़। क्या कर रहा है? प्लीज 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 मुझे छोड़ दे। प्लीज प्लीज देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज प्लीज छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। एक घंटे का वक्त दे रहा हूं तुझे, तेरा दोस्त क्रिस्टी मुझे यहां खड़ा चाहिए। वो यहां तक कैसे आएगा या तू उसे कैसे लाएगा, ये तू सोच। कोई चांस नहीं है, कुछ भी कर मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तो फिर तू मेरे किसी काम का नहीं। अगर मैं इस कार को रिवर्स लेकर आऊंगा तो तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो देखने के लिए तो वहां जाएगा ना। प्लीज नो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कर। मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज। ए दीपक, किधर है तू? तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी है, तू भी वहां आ जा और पुलिस वालों को बिल्कुल मत बताना। क्योंकि सुभाष पुलिस वालों को ट्रेस कर रहा है, हम लोग वहां सेफ रहेंगे यार। बस तू आ जा यार, और जल्दी आ जा। किसी से डिस्कस मत करना, जस्ट फॉलो द लोकेशन। ओके यार। Thank you.
जाओ उसे। चलो चलो जाओ। तूने मुझे मार भी दिया ना तो भी मेरे लड़के को नहीं ढूंढ पाएगा। मैं बात करूंगा तो मेरा लड़का आ जाएगा क्या? डोंट बी स्टूपिड आई से। तुम्हें कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं दूंगा। लेट फिनिश हिम, ज्यादा सोचो मत, बताओ कितना देगा तू? 2 crores। बस इतना ही? 5 crores। तो एक जान की कीमत तूने 5 crore लगाई है। हे, मेरा फोन, फोन। पर हमने एक काम किया है सर, हमें सच का कुछ पता नहीं था, हमें माफ कर दो सर। तेरे पास 5 crore है क्या? नहीं है ना? तो यस डैडी। हेलो, 5 crore रुपए लेकर जल्दी आ जाओ। लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त क्यों डैडी, क्या हुआ? जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। जल्दी से 5 crore रुपए लेके आ जाओ। एंड डोंट इन्फॉर्म एनीबडी। कम। ओके डैडी। तू फोन करके बुलाएगा तो मेरा बेटा आ जाएगा क्या? उसे मैंने कहाँ बुलाया? तूने बुलाया? यस डैडी। क्रिस्टी, 5 crore रुपए लेके जल्दी आ जाओ, लोकेशन शेयर कर रहा हूं। हे 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 हे। तुझे और पैसे चाहिए थे तो एक बार बोल देता, पैसे तेरे मुंह पे मार देता मैं। ये सब ड्रामा क्यों किया है? मैं जानता था दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। डैडी कहाँ हो तुम? डैडी, क्रिस्टी, क्रिस्टी, डैडी, क्रिस्टी तुम यहाँ मत आओ, भाग जाओ यहाँ से, क्रिस्टी, डैडी, डैडी क्या हुआ? क्रिस्टी मेरी बात सुनो, डैडी आप इस हालत में आपको किसने बांधा? क्रिस्टी मेरी बात सुनो, ऐसा किसने किया ये सब? प्लीज मुझे बताओ, डैडी, क्रिस्टी, तूने ठीक कहा था, हर चीज की एक कीमत होती है। तेरे लड़के की कीमत 5 crore रुपए तय की थी ना तूने, तो तू ये पैसे रख ले और तेरे लड़के की जान मुझे दे दे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। रुक 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 रुक। क्या कर रहा है तू? रुक रुक, ऐसा नहीं कर सकता। क्रिस्टी, क्रिस्टी, दीपक, 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 हे दीपक, क्या हुआ तुझे? दीपक, क्रिस्टी, क्रिस्टी, मैंने तुझे पैसे दे दिया ना, अब क्यों चिल्ला रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बोल रहा हूं उसे छोड़ दे, छोड़ दे उसे। क्रिस्टी, क्रिस्टी।
कॉपी, मैं एक लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, जाके देख वहां पर क्या हो रहा है, समथिंग रॉन्ग। गोपी, मेरे लड़के और दीपक को सुभाष ने उठा लिया है, कुछ कर यार। अभिजीत इज सेफ। हाँ, अगर सुभाष को जल्दी नहीं पकड़ोगे तो हम सबको अपना वारिस खोना पड़ेगा। मैडम। यस। आपने सुखिन देखा? सर, वो दो दिन पहले ही चेकअप करके चले गए। थैंक यू मैडम। सर, सुभाष का पता चल गया है। सर, वो दो दिन पहले इसी होटल में रुका हुआ था, ये सच है। और अभी वो बाय रोड गया होगा। उसे बैंगलोर टू चेन्नई की फ्लाइट पकड़नी है सर। विद इन वन आवर ही विल बी इन चेन्नई सर। ओके। हाँ बोलिए सर। एक घंटे बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर सुभाष लैंड होगा। उसको अनऑफिशियली अरेस्ट कर ले। मैं समझ गया सर। डोंट लूज। यस सर। चुपचाप चलते रहो। के बेटे की कार में आग लगने से झुलसकर मौत हो गई थी। उस मौत के जो संदिग्ध है उनको आज एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी को देखते हुए लोगों में काफी डर पैदा हो गया था और इसी बात को लेकर एयरपोर्ट पर काफी भगदड़ मच गई थी। एक सिंपल सा काम दिया, उसे भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। हाँ? सर, मैंने ठीक से प्लानिंग किया था लेकिन उसने अचानक। कम ऑन, चलो रिकॉर्ड करते हैं। उसने मेरे बेटे को जला कर मार दिया और तुम उससे बात क्या कर रहे हो? पुलिस के बारे में जानते हो ना कि हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। पेज मेकर का इस्तेमाल क्यों किया? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं किया। देखो कैसे झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है ये। एक दिन में दो लड़कों को किडनैप किया, पांच लोगों को जलाकर मार दिया और हमारा ही सिस्टम यूज करके लोकेशन शेयर किया। उन पांचों को तूने जानबूझकर मारा है ना? अच्छा, तो ये बात है। तो फिर एक और काम कर लो ना, मुझ पे ये भी इल्जाम लगा दो कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए एक नई पार्टी बना रहा हूँ जिसमें बिजनेसमैन से पैसा ले रहा हूँ और गुंडों की मदद ले रहा हूँ। तुम क्यों सोच रहे हो? हमें सब पता है, ये सब कुछ तूने किया है, अपना अपराध कबूल कर ले। कोई एविडेंस है क्या? प्रूफ करके बता। पढ़ाई वढ़ाई किया या ऐसे ही पुलिस वाले बन गए? सुभाष सर, जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया था तो एविडेंस के बिना मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन मेरी फैमिली फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी, तो पुलिस की नौकरी से रिजाइन करके मैं नया जॉब ढूंढने मुंबई से चेन्नई आया हूं। और एयरपोर्ट पे तमाशा खड़ा करके इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। दस है? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ए, जान से मार दूंगा तुझे। ए, चुप हो जाओ। इसे तो मैं झूठ बोल रहा है, तुम लोगों के साथ गेम खेल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? उसे मार के खत्म करो। इसे मारकर कोई फायदा नहीं है। पहले दीपक और क्रिस्टी कहां हैं उन्हें ढूंढना है।
उसके बाद इसके साथ क्या करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सर। यस। सुभाष बैंगलोर गया था और वहाँ सबूत मिले हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में दो दिन रहा। सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ? मेरी आंखों के सामने उन दोनों को उठाकर ले गया था। उन दोनों को कहाँ छिपा कर रखा है? आपकी बिरादरी से दो लोग गायब हो जाते हैं तो उन्हें मैंने उठाया, ये इल्जाम भी मुझ पर ही लगाओगे? वो जिंदा है या उन्हें मार दिया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं अपने हाथों से किसी को नहीं मारूंगा। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा हैं? पता नहीं सर। ए सुन, तू अभी इस वक्त मेरी कस्टडी में है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यहां अकेला हूं सर, लेकिन पब्लिक, तुम्हारे साथ पूरा पुलिस फोर्स है ना, तो तुम जो कर सकते हो कर लो। तुझे तो मैं सर, उन दोनों लड़कों के बाप इससे बात करना चाहते हैं। मेरा लड़का कहां है पता? कहां छिपा के रखा है उसे? जिंदा तो है ना वो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो? सर आपने बाहर कोई टिकट काउंटर खोल के रखा है क्या? जो अंदर आ रहा है मुझसे यही सवाल पूछ रहा है, अब मुझे टॉर्चर हो रहा है सर। पहले कैमरा ऑफ करवा। सर आप जरा कैमरा ऑफ करवाइए, हमें इससे बात करनी है। अरे ये क्या बोल रहा है सुनो। गुड, तुझे यही मार डालूंगा मैं। इंसान एक ही बार मरता है और मैं पहले ही मर चुका हूं, लेकिन अभी अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ ना तो वो दोनों गए काम से। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लड़के जिंदा रहेंगे। जब तुम लोगों ने मेरी फैमिली को जलाकर मारा था तो उसने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि वो एक एक्सीडेंट था। अब तुम बयान दो कि शिवा की मौत एक एक्सीडेंट थी। यो इडियट, मीडिया के सामने मुझे क्या बोलना है ये तू मुझे बताएगा? तू मुझे ऑर्डर देगा? नॉनसेंस। मुझे नहीं लगता कि इन्हें आपके लड़कों की जान की परवाह है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनसे क्या बात कर रहा है तू? जो कर रहा है मुझे कह। डीसीपी साहब, मेरी मुट्ठी में अभी दो चीटियां हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जिंदा हैं या मर गई तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप कहेंगे कि वो मर गई हैं तो मैं मुट्ठी खोल कर दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि वो दोनों जिंदा हैं। लेकिन अगर आपने कहा चीटियां जिंदा हैं तो मैं उन्हें मुट्ठी में ही मसल दूंगा। इसीलिए ना अब आपको कोई सवाल करने चाहिए ना मुझसे जवाब की उम्मीद करनी चाहिए। He is crossing his limits. सुभाष, you are crossing your limits. ये तो नहीं समझ रहा, पर आपको अपने बेटे प्यारे हैं ना? ये ठीक बोल रहा है, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, so let me handle this. बोलो क्या चाहते हो तुम? अरे ओ गोपी भैया। हाँ? कौन मैं? अबे गोपी तेरा ही नाम है ना, जल्दी से जाओ और फटाफट दो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लेकर आ। दो दिन से ठीक से खाना नहीं खाया यार, अब फटाफट जाओ और फटाफट आ जा। मुझे नहीं लगता इन दोनों को तुम्हारे बेटों की कुछ पड़ी है। आप बोलियो सर, प्लीज प्लीज। गोपी सर। अच्छा सुन, बिरयानी में जहर मत मिला देना वरना वो दो चीटियां मर जाएंगी। अच्छा मेरे लिए यहां एक टीवी लगवा दो ना यार, डीसीपी का इंटरव्यू जो देखना है। हमारे माननीय कलेक्टर साहब का बेटा जो गाड़ी में झुलस कर मर गया था उसका सब सच बताने के लिए आप लोगों को यहां बुलाया है। ये कंफर्म हो गया है कि वो एक फायर एक्सीडेंट था, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल गया है। एग्जॉस्ट फैन का वायर कट हो गया, इसी कारण उसकी मौत हो गई है। इसी वजह से कार फायर होने के कारण हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाए। एक्सक्यूज मी सर। हे सुभाष, मिस्टर सुभाष को आपकी कस्टडी में क्यों रखा गया है? आप कौन? मैं सुभाष की लॉयर हूँ। आपने उन्हें एयरपोर्ट पर गन पॉइंट पर अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने की वजह क्या है सर? एनी सेक्शन, एनी डिटेल्स? अगर आप नहीं बता सकती तो मुझे ही मीडिया को जवाब देना होगा। हमें शक है उसने दो लोगों को किडनैप किया, इसलिए अरेस्ट किया है।
पूछताछ कर रहे हैं। बिरयानी खाओगे क्या? वो जिंदा है या मर गए? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। कल हम उसे कोर्ट में पेश कर रहे हैं, आप उससे वहीं पर मिल सकती हैं। लॉयर है ना, उसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक गोपी सुन। यस सर। मीडिया वाले बहुत सवाल कर रहे हैं, आगे इस केस को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। कल उसको कोर्ट में पेश करो, दो लोगों के किडनैपिंग केस में 8 दिन के लिए रिमांड मंजूर करवा। ओके सर। फिर देखता हूं मैं कैसे भागता है। बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? बताओ उसे कहाँ छुपा के रखा है? दोनों डिसाइड कर लो कि पहले मुझे किसके लड़के के बारे में बताना है, तुम्हारे मैं एक नंबर देता हूँ, ठीक है? जिसका कॉल पहले लगा उसके बेटे के बारे में पहले बताऊंगा। 9952012 98। अरे ये तो सिर्फ 9 डिजिट है। 10वां डिजिट आप खुद ढूंढो। हेलो दीपक। डैडी बात कर रहा हूँ। क्या रे, तू मेरा डैडी है क्या? तेरे को तो अपन बचपन से ढूंढ रहे है, हैं? तेरा पता बोल, अपन वहीं पे आएगा, अभी अभी आएगा। छी, रॉन्ग नंबर। क्रिस्टी। हेलो क्रिस्टी, सामने आकर बात करना। क्या क्रिस्टी, क्रिस्टी करके फोन कर। छी। हेलो क्रिस्टी। हे बेटा किधर है? अरे मुझे बचा लो। हे वेयर इज माय सन? क्रिस्टी मैं हूँ। ही इज द विनर, क्रिस्टी फर्स्ट। क्रिस्टी लाइए मुझे फोन दीजिए, मुझे फोन दीजिए पहले। हेलो क्रिस्टी बेटा किधर हो? अंकल क्रिस्टी। हे डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। अंकल सुभाष ने मुझे किडनैप किया। देखो पहले मुझे लोकेशन बताओ। हे क्रिस्टी फोन इनको दे। क्रिस्टी डैड, डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम डरो मत, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। उसे कहो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। बेटा मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। यहाँ तो बहुत अंधेरा है डैड। उसे 2 बार क्लैप करने के लिए कहो। तुम 2 बार क्लैप करो बेटा। क्लैप। डैड लाइट जल गई डैड। अरे उससे पूछो दीपक वहाँ पे है क्या? पूछो ना उससे, पूछो ना दीपक है क्या वहाँ पे। वहाँ पर एक रेड कलर का बैग होगा, उसे उठाकर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करने के लिए कहो। ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। वहाँ एक रेड कलर का बैग है क्या? हाँ डैड। उसे उठा लो। डोर नंबर लॉक है डैड। नंबर लॉक है? उसी का कोड है 4455। 4455। डोर ओपन हो गया डैड। बेटा तुम बाहर आ गए क्या? हाँ डैड मैं बाहर आ गया। उससे कहो तुरंत एयरपोर्ट चला जाए, वहाँ उसे मेरी एक दोस्त अनीता मिलेगी। उससे कहो जब तक मैं ना कहूँ फोन ना काटे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ। ठीक है। गोपी तुम यहीं ठहरो, यहाँ से जाने वाली हर फ्लाइट को चेक करो और पता करो कि अनीता नाम की लड़की ने किस फ्लाइट पे टिकट बुक की है। ओके सर। एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए बेटा, कहाँ पे हो तुम अभी? मैं गेट नंबर 3 पर हूँ डैड। गेट नंबर 1 पर जाओ। मैं गेट नंबर 1 के पास आ गया। उस बैग के अंदर पासपोर्ट, आईडी कार्ड, टिकट वगैरह सब कुछ है। उसे कहो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाए और अंदर चला जाए। उस बैग के अंदर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह और टिकट है, उसे सिक्योरिटी को दिखाओ और अंदर जाओ। मैं अंदर आ गया डैडी। अभी वो अंदर चला गया। चेक इन काउंटर पर अनीता का इंतजार करने के लिए कहो, जैसे ही वो आए उसे बैग दे दो और बिना पलटे वहां से चले जाओ। उससे कहो जो कहा है वैसा करे। तुम अंदर पहुंच गए क्या? यस डैडी। देखो तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है क्या? नो डैड। आसपास है पुलिस या पब्लिक है कोई? कोई नहीं है। सो यू आर सेफ। कुछ देर में हमारे आदमी वहां पहुंच जाएंगे। ओके डैड। मेरी बात सुनो, मुझे ब्लैकमेल करके मेरे बेटे को तू टॉर्चर कर रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जितना कह रहा हूं उतना करो। चुप कर। क्या सुनूं मैं तेरी बात? अब मेरा बेटा एयरपोर्ट पे सेफ है। डैड चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा मत छोड़ना। उसे वही खत्म कर दो। क्रिस्टी क्रिस्टी
ये कैसी आवाज है? ये बीप की साउंड कैसी है? क्रिस्टी, क्रिस्टी तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही? क्रिस्टी, 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 ये आवाज कैसी है? क्रिस्टी, हे क्रिस्टी, हे हैंडसम, ड्रॉप द गन, हैंडसम, आई से, क्रिस्टी, हे मैंने कहा था ना मेरी बात सुनो, अपने बच्चे को खुद ही मरवा दिया, अब क्या करें? जरा सब लोग मिलके समझाओ इनको। क्या हुआ तुम्हें? एलेक्स, क्या हुआ सर? एलेक्स, एए, सर, पानी लाओ। सुरक्षा कर्मियों का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने बंदूक निकालकर वही फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे कमांडोज ने उसे गोलियों से भून दिया। डैडी आपने सुना, ये सब उसी सुभाष का काम है। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता डैडी। बेटा वो अभी पुलिस कस्टडी में है, तो वो ये सब कैसे कर सकता है? और क्रिस्टी ने एयरपोर्ट पर क्यों फायर किया? आपको कुछ पता नहीं डैडी, क्रिस्टी पागल नहीं है कि एयरपोर्ट में गन लेकर जाएगा। मिलॉर्ड, सस्पेक्ट सुभाष जब एसआई के पोस्ट पर थे तब भी इन्होंने उन चारों को बेवजह पकड़कर लॉकअप में बंद किया था। इनफैक्ट उन चारों को जान से मारने की धमकी दी थी। उनमें से दो लड़कों को किडनैप करके एक को जान से मार दिया, और दूसरा लड़का इस वक्त कहां और किस हालत में है ये हमें पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उसके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी होगी। दीपक के मिलने तक मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि सुभाष को एक हफ्ते तक पुलिस की रिमांड पर रखा जाए। कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मेरी बात को माना जाए। आप कुछ कहेंगी? माय लॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हर बात पर शक है। इन्हें लगता है जो गायब हुए उनकी हत्या मिस्टर सुभाष ने की है। मिस्टर सुभाष को एयरपोर्ट से एक टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार किया गया, और उसके ठीक एक घंटे बाद डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर ने मीडिया को ये बयान दिया कि उस लड़की की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। अब दो लड़कों की किडनैपिंग का इन पर आरोप है, और उन दो लड़कों में से एक लड़का हाथ में गन लिए एयरपोर्ट पर खुले आम पब्लिक के बीच में घूम रहा था, और ये कल की ब्रेकिंग न्यूज है, आपने भी देखा होगा। अब मिस्टर सुभाष की पुलिस को कस्टडी चाहिए। इससे साफ नजर आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर बड़े बड़े ऑफिसर्स का कितना ज्यादा प्रेशर है। मेरे मुवक्किल मिस्टर सुभाष को पुलिस कस्टडी में ना रखा जाए। मिस्टर सुभाष फ्लाइट में बेंगलुरु से यहाँ चेन्नई आए थे, उनके फ्लाइट टिकट वीडियो फुटेज इसमें है। हर चीज के लिए एविडेंस चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। जो लड़का लापता है पहले आप उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, यही आपकी ड्यूटी है। और इनसे पूछताछ करने के लिए मैं आप लोगों को एक हफ्ते का समय देती हूँ। तब तक इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है जज साहिबा। जज ने तेरे ऊपर हाथ उठाने से मना किया, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे मारने के बाद उस केस को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं। मैं तुझे एक घंटे की मोहलत देता हूं, अगर उसे बचा सकता है तो बचा ले। दीपक, सर सर सर, दीपक सर सर, दीपक दीपक सर, देखिए इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है सर। तुम लोग साइबर क्राइम एक्सपर्ट हो, अगर तुम लोगों से ये सब नहीं हो पाएगा तो कौन ट्रेस करेगा? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर, आप चाहें तो इलीगल हैकर्स को हायर कर सकते हैं। लीगल हो या इलीगल हो, उसे ट्रेस करो। आई जस्ट वांट टू ट्रेस हिम। सब लोग फटाफट काम पर लग जाओ। सर हैकर्स, ओके, प्लीज टेक योर बैच।
आम बात है, हर इंसान सारी सोशल मीडिया साइट्स पर रेप के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की मांग कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर रेपिस्ट मिल जाए तो उसे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। और जो लोग ये सोच रखते हैं उन लोगों के लिए आज ही एक मौका है। कई मासूम लड़कियों का रेप करके उन्हें जान से मारकर उन्हें सुसाइड केस डिक्लेयर करने वाले एक रेपिस्ट को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसकी करतूतों को खुद अपने कानों से सुन लीजिए। बात यह है कि मैंने और मेरे तीन दोस्तों ने मिलकर इस लड़की को मारा है। पार्वती का जो मर्डर हुआ था उसका भी हम लोगों ने रेप करके मर्डर किया था। हर सेकंड में उसका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है सर। अगर आप लोग इस रेपिस्ट को सजा देना चाहते हैं तो ये बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अंकल मैंने आपको एक गेम का लिंक भेजा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और शेयर कीजिए। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक गेम का लिंक भेजा है, उसे डाउनलोड करो और शेयर कर लो, जिससे हमारी बेटी के कातिल को सजा मिलेगी। एक रेपिस्ट को सजा देने का मौका मिला हमें। मैं तुम्हें एक गेम भेज रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर देखो एक बार। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करो। Oh no. What happened? Links बार-बार disconnect हो रही है। I don't think so. These people can tackle this problem. जैसे चाहे कितना भी खर्च हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। I can get somebody from abroad to do this. आपको common sense नहीं है सर। Excuse me? What? आपके बेटे के पास कौन सा गैस फिट है पता है आपको? Hydrofluoric acid with potassium light. जब तक आप बाहर से इंटरनेशनल हैकर्स को मंगवाएंगे तब तक तो ये गैस आपकी बेटी की बॉडी को पिघलाकर खत्म कर चुकी होगी। अरे यार ये गेम खेलने से गैस लीक होती जाएगी और जल्दी वो रेपिस्ट मर जाएगा। कई लड़कियों का रेप करके उनकी हत्या करने वाले इस रेपिस्ट को ऑनलाइन मारने का हमें मौका मिला है। चलो इसे खत्म कर देते हैं। ओ गॉड, लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है और गैस लीक होना शुरू हो गई है। अगर लोकेशन पता नहीं चल रही है तो उस वेबसाइट को तो ब्लॉक कर सकते हो ना तुम लोग। सर उसका आईपी एड्रेस हर सेकंड बदलता जा रहा है, सिर्फ जो लोग इस गेम को लॉगिन कर रहे हैं उनका आईपी एड्रेस ही ट्रैक हो पा रहा है। अरे तुम टेक्निकल एक्सक्यूज दे रहे हो या फिर तुम्हें ढूंढना ही नहीं आ रहा है। सर इसी टेक्नोलॉजी से उसने ये गेम बनाई है, हम उसे पकड़ भी नहीं सकते और ना ही उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये गेम किसी अकेले आदमी के लिए बनाना नामुमकिन है सर, जरूर कोई ना कोई है जो इस गेम में उसकी मदद कर रहा है। इसका मुंह कैसे खुलवाना है ये मैं जानता हूँ। इसकी बेवकूफी की वजह से आज तुम भी फंस गई। मैं कुछ नहीं जानती। ओह, गबे। ओके सर। नहीं अनीता, मुझे किसी और से ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र है सुभाष। I'm sorry. नहीं, नहीं अनीता मेरी बात सुनो। अनीता रुको, मेरी। दीपक कहाँ है पता करो और फिर मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। इसका क्या करना है मुझे पता है। अगर पूरी सिटी को हैक कर लिया तो ये कोई भी गेम नहीं खेल सकता ना। सर लॉगिन करने के बाद अगर सारे एक साथ लॉगआउट करेंगे तो ये गैस का चैम्बर फट जाएगा, ऐसी सेटिंग की गई है। एटलीस्ट ये तो पता करो इसमें इसकी कौन मदद कर रहा है। सर मैं भी कोशिश कर रही हूँ। I will find him. बाप रे ये तो बहुत भयानक जगह लग रही है। यही बिल्डिंग है ना? आओ आओ। पता नहीं कहाँ ले जा रही है। जल्दी आओ। लगता है पहुंच किस तरफ? इस तरफ या उस तरफ? बताओ किस तरफ। देखिए मैडम, साहब की सांसें फूल गई, छह माले तक उन्हें सीढ़ी चढ़वा दिया। ये बातें ग्राउंड फ्लोर पे भी तो हो सकती है। बकवास बंद करो और जाओ। ओके सर। और तू बता कहाँ है वो? हाँ। खोलो दरवाजा।
अरे ये सब गलत है, मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। तेरी बहन के साथ होता तो तू बोलता क्या? ये सब करने की क्या जरूरत है? जान अपना काम कर चल। रेपिस्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल सही कहा, इन्हें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। सर, by any chance लॉगिन हो रहे आईपी एड्रेस को हम 10 मिनट ब्लॉक कर सके तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एड्रेस कहां से ऑपरेट हो रहा है, और तब हम आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उस तक पहुंच पाएंगे। दिस इज आवर ओनली वे सर। क्या कर रहा है? अरे किसी भी तरह दरवाजा खोल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके दरवाजा खोलता हूं। अरे किसी भारी चीज से दरवाजा तोड़ दे। मिल गया सर। मिला क्या? मिल गया सर, मिल गया। अरे जल्दी खोल दरवाजा। अरे डरिए मैं सर, दरवाजा खोल। अरे अगर मैं बाहर आ गया तो जान से मार दूंगा। टेंशन मत लीजिए सर, खोल। कर क्या रहा है? हाँ सर। अरे सर मैं काम थोड़ी ना गुजार रहा हूँ, आपको बचाने के लिए चारों तरफ रास्ता ढूंढ रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर। सर कुछ कीजिए। डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। मैं सुभाष से बात करके देखूँ क्या। ओके सर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सुभाष, इतनी क्रूरता से हत्याएं किए जा रहे हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही है। मैंने वादा किया था सर कि मैं इन अपराधियों को खुद इनके पिता के हाथों से ही मरवाऊंगा। बस अफसोस इस बात का है कि रेप और मर्डर करने वाले इन कमीनों को मैं खुद अपने हाथों से नहीं मार पाया, इसका मलाल है मुझे। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम मेरी कस्टडी में हो, ये बात याद रखना। मैं जानता हूं मैं तेरी कस्टडी में हूं, और ये भी जानता हूं कि तेरी कस्टडी में मैं सेफ हूं। अनीता भी सेफ है, और तू हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी मैं जानता हूं। hey! क्या बकवास कर रहा है तू? देख तेरी बेटी अब जवान हो गई है, अगर बाजार में उसका कोई वीडियो वगैरह आ जाए। hey! सुभाष, अपनी बेटी पे आ गई तो तूने हाथ उठा लिया, दूसरों की बेटियों से तुझे फर्क नहीं पड़ता। hey! सर बता मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तेरी कस्टडी में हूँ, लेकिन तू 10 मिनट में घर नहीं पहुंचा ना तो हमेशा के लिए बेटी को भूल जा। hey! क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? क्या किया सर? सिर्फ 10 मिनट। सुभाष क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? यस, गॉट द एड्रेस सर, गॉट द एड्रेस। गिव मी द एड्रेस। बिल्डिंग नंबर 11, नियर सिटी मॉल, OMR। जो लड़की है उसकी जगह मैं होती तो क्या आप उसे छोड़ देते? पापा जस्ट वन ऑनेस्ट आंसर डैडी। अपू अपू बेटी रुको, हमारी बात तो सुनो। तुम्हारे इंक्रिप्शन को हमने डिकोड कर लिया है, सिक्योरिटी को लॉगिन करके क्या तुम्हारे गेम को 10 मिनट के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते? तुमने इतना ब्रिलियंट प्लान बनाया तो 10 मिनट का लूप होल नहीं देना चाहिए था। ऑपरेशन इज अ सक्सेस बट पेशेंट इज डेड। शिट, इस सिस्टम को भी हैक कर लिया गया है सर। सर यहां से किसी को हिलने मत दीजिए सर। ध्यान रहे कोई भी उस बॉक्स के पास ना जाने पाए।
दीपक, 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 दीपक। सर मैं भी यहाँ हूँ। सर, दीपक, सर दीपक, सर सर, अरे जल्दी अंदर आओ। सर दीपक, सर सरकारों का यह समझ कीजिए। मार दिया, मार दिया। उसने जैसे कहा था वैसे ही मारा। अब सिर्फ मैं बचा हूं, वो मुझे भी मार डालेगा। बेटा, डोंट टच मी, जस्ट डू समथिंग। हेलो, वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए सबको कैसे मार रहा है और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हो? उसका क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसके ऊपर लगे केस को क्लियर करो और बाहर भेजो, बाकी मैं देख लूंगा। तेरी बात सुनने या तेरा हुक्म मानने के लिए मैं कोई तेरा गुलाम नहीं हूं। अब हेलो कमिश्नर साहब। आप लोग कभी सुधरेंगे नहीं, है ना? एक तो आप लोगों के पास एविडेंस नहीं है और आपने उसे अरेस्ट कर लिया, और अब इसे सलाखों के पीछे डालने के बाद आप लोग एविडेंस जुटाने में लगे हुए हैं। जाइए, कोर्ट का वक्त बर्बाद मत कीजिए। नमस्ते सर। जेसी सर। पेरुमल सर, जरा सुभाष को फोन दो, बात करो। बोलिए। अगर हमारे हाथ कोई एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब है तुम बच गए। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। तुम तुम्हें जेल और कोर्ट से इसलिए परे कराया है क्योंकि वो लोग तुम्हें कोर्ट के बाहर मारना चाहते हैं। आई सजेस्ट जस्ट बी केयरफुल। मदद के लिए धन्यवाद, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप जाइए सर। सुभाष, आप जाइए। तू गया काम से, अब ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता तुझे। ऊपर वाले की तो पता नहीं, लेकिन अभिजीत ने बचा लिया मुझे। समझ में नहीं आया, तुम्हारे लड़कों ने जिन लड़कियों का रेप किया था उनके वीडियो मैंने ऑटोमेटिकली शेड्यूल करवा के क्लाउड में सेव किया था। अगर एक घंटे में रोका नहीं गया तो वीडियोस लीक हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटे का वक्त है। तुम तो जानते हो मीडिया क्या कर सकती है। इतने सालों में जो पैसा और इज्जत कमाई है वो एक ही पल में खलास। डैड, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास वीडियो होने के कोई चांस ही नहीं है। क्या यार, मैं इतना सब कर सकता हूँ तो ये नहीं कर सकता? तेरा जो दोस्त है ना दीपक, जो मारा गया, मैंने उसी के नंबर पे सब कुछ सेट करके और सेव करके रख दिया है। तू चाहे तो तुझे दिखा देता हूँ। जरा अपना फोन देना। टाइम नहीं है, अगर मैं खुद जाकर उसे मैन्युअली रोकूंगा तभी रुक पाएगा। तू इतने दिनों तक पुलिस कस्टडी में था और तुझे कस्टडी से रिहा करने के लिए मैंने कहा था। तू कह रहा है कि वो वीडियो एक घंटे में वायरल हो जाएगा। अगर तू वो लीक भी कर देगा ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट, मैं अभी तक पुलिस कस्टडी में ही था, पर तुमने खुद मुझे रिहा करवाया और खुद अपना फोन देकर मुझे ये एक्टिवेट करने का मौका दिया।
डैड, इसे यहीं पे खत्म कर देते हैं। ए, बड़ों के बीच में क्यों बात कर रहा है? अच्छे मैनर्स नहीं है। अब उस वीडियो की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगी हम खुद फेस कर लेंगे, लेकिन तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। ए! क्या कर रहे हो? क्या दोस्ती है? अभिजीत, गेट द कार। व्हाट इज दिस? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं अपने बिजनेस एम्पायर और अपनी रेपुटेशन को 5 मिनट के वीडियो के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो वीडियो हाथ लगेगी हम उसे मार देंगे, और तब तक तुम उसे कुछ नहीं करोगे, समझ गए तुम? Fast. इस वक्त की खास खबर, पार्वती रेप केस से जुड़े रेपिस्ट के और वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो बनाने वाला शख्स एक अजनबी, जल्दी वो वीडियो डिलीट कर, अपने नंबर से जल्दी। बोल कौन इसे? अरे चिल्ला क्यों रहा है यार? अब तक लाखों लोगों ने इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया है। पुलिस उस आदमी की खोज में लगी हुई है जिसने ये वीडियो बनाया है। अभिजीत, कहाँ हो तुम? अभिजीत, ओए बिजनेस में शोहरत कमाने में 30-35 साल लग गए, लेकिन अब उस बिजनेस और शोहरत को बचाने के लिए सिर्फ 2 मिनट है तेरे पास। तुझे तेरे बेटे की जान प्यारी है या सोसाइटी में तेरी इज्जत प्यारी है, ये फैसला तुझे ही करना है। इसे रोक। समझ गया ना तू? कहा रहा है इसे रोक? ये सब मेरा काम नहीं है, लेकिन तू चाहे तो रोक सकता है। इस बटन को प्रेस करेगा तो रुक जाएगा। आ जा। डैड, मुझे बचाओ। डैड, मुझे बचाओ। डैड, मुझे बचाओ। Oh,
इट आउट। आखिरी बार तुझे एक अच्छा बाप बनने का मौका दिया था, वो भी मिस कर दिया। लेकिन तेरी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, अपने बेटे की परवरिश तो सोच समझ के की थी और उसे मारा भी सोच समझ के। आपको बता दें कि चेन्नई के रेप केस में जो चार लोग आरोपी थे उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सब के पीछे आखिर किसका हाथ है। सर कंप्लेन किए हुए अभी 5 दिन भी नहीं हुए और इनके टुकड़े टुकड़े करके इन्हें यहाँ फेंक दिया गया है। सर आपकी पोस्टिंग हुए इस एरिया में अभी 2 दिन ही हुए हैं। इस दौरान 4 लोग गायब हो गए हैं और कुछ लोगों की हत्या हो चुकी है। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? सर कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। ये सुनते सुनते कितने खून होते जा रहे हैं सर। कहना चाहेंगे सर? कानून अपना काम करेगा।